हत्या की वारदात पर एसपी श्री राजेश दुगल ने लिया घटनास्थल का जायजा। दोषियों को पकड़ने के लिए डीएसपी झज्जर श्री राहुल देव के नेतृत्व में दो विशेष टीमों का गठन। झज्जर से खबर। हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। थाना सदर झज्जर क्षेत्र के गांव उखलचना कोर्ट में आपसी जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दोषियों द्वारा आगजनी व प्लॉट में सोए हुए एक व्यक्ति हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या की उपरोक्त वारदात को गंभीरता से लेते हुए एसपी श्री राजेश दुगल द्वारा स्वयं मौका पर गांव उखलचना कोर्ट पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया गया। घटनास्थल का जायजा लेते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करके वारदात के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मौका पर ही पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने तथा मामले के दोषियों का पता लगाकर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए। 1-2 अप्रैल 2021 की रात को गांव उखलचना के एरिया में स्थित एक प्लाट में अपने पशुओं के साथ सोए हुए एक व्यक्ति की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया था। उपरोक्त वारदात की सूचना पर एसपी झज्जर श्री राजेश दुगल स्वयं मौका पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाक्रम का जायजा लेते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों तथा पुलिस अधिकारियों से वारदात की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान घटनास्थल पर एसपी श्री राजेश दुगल के साथ उप पुलिस अधीक्षक झज्जर राहुल देव, थाना प्रबंधक सदर झज्जर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार, सीआईए झज्जर के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। एफएसएल की टीम ने भी मौका पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। शुक्रवार को मौका पर गांव उखलचना पहुंचे एसपी श्री राजेश दुगल ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए बताया कि स्थानीय निवासियों व मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आपसी जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि गांव उखलचना निवासी रामधारी, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, वह गांव में स्थित प्लाट में अपने पशुओं के साथ एक छप्पर में सो रहा था। दोषियों ने जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर रात को छप्पर में आग लगा दी। जलने से छप्पर में सोए हुए रामधारी व एक गाय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्लाट को लेकर दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ था। उस झगड़ा की रंजिश रखते हुए आगजनी करके हत्या करने की उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया है। उपरोक्त वारदात के संबंध में थाना सदर झज्जर में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त वारदात की गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वारदात को जल्द से जल्द सुलझाने तथा वांछित दोषियों को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त मामले के वांछित दोषियों को पकड़ने के लिए डीएसपी झज्जर राहुल देव के नेतृत्व में पुलिस की दो विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सीआईए झज्जर तथा थाना प्रबंधक सदर झज्जर की टीमें शामिल है। डीएसपी राहुल देव के नेतृत्व में थाना प्रबंधक सदर झज्जर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार की टीम द्वारा उपरोक्त मामले में गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई अमल में लाई जा रही। उपरोक्त मामले के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा संदिग्ध स्थानों पर कड़ी निगरानी तथा छापेमार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उपरोक्त वारदात के दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के स्तर पर हर संभव कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।